कोरोना से डरना जरूरी है, क्योंकि इसी डर से साधारण बुखार पर व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होता है और पैसा बनता है। इसी डर से व्यक्ति वो वैक्सीन लगवाता है जिसे लगाने के बाद भी कोरोना का खतरा कम नहीं होता। इसी डर से 899 रुपए की रेमडेसिविर ब्लैक में 50,000 की खरीदता है और पैसा बनता है। इसी डर से लॉकडाउन लगते हैं, केंद्र सरकार से करोड़ों की मदद मिलती है और पैसा बनता है। इसी डर से आदमी ये पूछने से डरता है, क्या कोरोना सचमुच एक महामारी है? तेल लगा के डाबर का पहन की टोपी नायक की झड़ी लगा दो लायक की। हेलो और नमस्कार मित्रों। दो भूत एक पीपल के पेड़ से उल्टे लटके हुए बातें कर रहे थे। तभी पहले भूत ने कहा, शायद कोई इंसान इधर आ रहा है। दूसरा भूत बोला, ये इंसान विंसान कुछ नहीं होते, सब कही सुनी बातें हैं। ऐसी ही कही सुनी बातों, व्हाट्सएप, न्यूज चैनल और गूगल के आधार पर हम सब कोरोना को देख, सुन और समझ रहे हैं। लेकिन मेरे मन में कुछ शंका है, कुछ प्रश्न है। मेरे प्रश्न गलत हो सकते हैं, लेकिन मेरा प्रश्न पूछना तो गलत नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से अब तक आप ये तो जान ही चुके हैं कि जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में कोरोना नहीं होता। चलिए ये भी मान लेते हैं कि उन राज्यों में भयंकर कोरोना फैल रहा है, लेकिन सरकार आंकड़े छुपा रही है, अस्पताल टेस्टिंग नहीं कर रहे और कोरोना के कारण मरने वालों की सही संख्या दर्ज नहीं हो पा रही। लेकिन एक चीज जो छुपाई नहीं जा सकती वो है मरने वाले लोगों की संख्या। सवाल ये उठता है, चुनाव वाले राज्यों में शमशान घाट के बाहर वैसी लाइन क्यों नहीं लग रही जैसी बाकी सभी राज्यों में लग रही है, जबकि वहां तो बाकी से ज्यादा होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हो रही? और अगर हो रही है और मीडिया छुपा रहा है तो क्यों छुपा रहा है? उन राज्यों में किसी एक पार्टी की सरकार तो नहीं जो मीडिया उसे बचाने के लिए कर रहे हैं? आसाम में भाजपा तो बंगाल में तृणमूल है, केरल में कम्युनिस्ट तो तमिलनाडु में AIDMK। और जो लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग ना की गई, भीड़ को ना रोका गया तो भारी संख्या में लोग मरेंगे, तबाही हो जाएगी, तो इन राज्यों में भीड़ वाली रैलियों से क्यों नहीं मर रहे? कोई वैज्ञानिक, कोई डॉक्टर मुझे ये विज्ञान समझाएगा? मैं यहां केवल सरकार की गलत नीति पर सवाल नहीं उठा रहा, मेरा सवाल है कि अगर सरकार की नीति इन राज्यों में गलत है तो उसके बुरे परिणाम इन राज्यों में क्यों नहीं दिख रहे? दूसरा, ये पहली कोरोना की पहली लहर से आज तक बनी हुई है कि गांव जहां ना मास्क है, ना पुलिस है, ना अस्पताल है, ना वैक्सीन है, वहां कोरोना क्यों नहीं फैल रहा? पिछली बार इसका उत्तर मिला था कि कोरोना विदेशों से आने वाले यात्रियों से हो रहा है और वो यात्री शहरों में आए, गांव में नहीं, इसलिए शहरों में ज्यादा फैला। चलो मान लेते हैं, लेकिन एक साल में करोड़ों मजदूर शहरों से गांव गए, देश के हर जिले में कोरोना फैला, हालत सामान्य होने पर सब गांव और शहर के बीच भी आए गए, किसान आंदोलन में भी गए, लेकिन एक साल बाद भी गांव में कोरोना नहीं फैला, शहरों से कम फैला। कोई WHO या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाला मुझे ये समझाएगा? दूसरा कारण वही चुनाव वाला बताया गया, गांव में टेस्टिंग नहीं हो रही इसलिए कोरोना तो फैल रहा है लेकिन पता नहीं चल पा रहा। अरे पता नहीं चल रहा तो ज्यादा लोग मरने चाहिए ना, क्योंकि ना वो अस्पताल जा रहे, ना मास्क पहन रहे, औरों में भी फैला रहे। इससे तो ये इशारा होता है कि जिसका कोरोना पता चल जाता है उसके मरने की संभावना ज्यादा होती है, जो अस्पताल जाता है उसके मरने की संभावना ज्यादा होती है। क्या समझे हम इसे? कोई वैज्ञानिक मुझे समझाएगा? एक और पहेली है, एक गाड़ी के अंदर आप अकेले चल रहे हो तो मास्क लगाना पड़ रहा है, नहीं लगाया तो कोरोना हो जाएगा, लेकिन IPL में खिलाड़ी सब बिना मास्क के गले मिल रहे हैं, मैच के शुरू में गोला बनाकर खड़े हो रहे हैं, किसी को कोरोना नहीं हो रहा? अजीब विज्ञान है, कोई समझा दो। कोरोना के लक्षण देखें तो सब लोग जो पॉजिटिव होते हैं उनमें अलग अलग लक्षण होते हैं, किसी की सूंघने की शक्ति चली जाती है तो किसी के गले में दर्द होता है, किसी को हाथ पैर में दर्द होता है, और जब ऐसे लोग भी पॉजिटिव निकलने लगे जिन्हें कोई लक्षण नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो कह दिया कि ये असिम्प्टोमेटिक हैं, बिना लक्षण वाले मरीज हैं। तो ये तो वैसी ही बात हो गई ना जैसे पहले जमाने में गाँव में किसी के मरने पर सुनते थे, अच्छा भला था, सुबह उठकर खेत गया, नाश्ता किया और फिर चल बसा। और उसके बाद चिकित्सा विज्ञान का आखिरी ब्रह्मास्त्र, कोरोना से कोई नहीं मरता,
मरते हैं तो उसके प्रभाव से, आफ्टर इफेक्ट से। जो बीपी से मरा वो भी कोरोना डेथ, जो शुगर से मरा वो भी कोरोना, हार्ट अटैक वाला भी और बुखार वाला भी, केवल इसलिए कि एक टेस्ट पॉजिटिव आया। एक वायरस जिसकी पहचान चीन में 2019 में की गई, इसीलिए उसे कोविड-19 कहते हैं, वो अगर शरीर में है तो आप कोरोना से मरे हैं। और वो शरीर में है ऐसा भी टेस्ट से पता नहीं चलता, केवल इतना पता चलता है कि कोविड-19 के शरीर में होने से जो परिवर्तन होते हैं वो आपके शरीर में हुए हैं या नहीं। और बाकी हजार तकनीकी सवाल हैं जिनका कोई जवाब मेरे पास तो नहीं है। 18 साल से कम लोगों पर कम असर करता है तो क्यों करता है, जबकि बच्चे तो अक्सर संक्रमण को जल्दी पकड़ते हैं। और जो लोग मेरे लिए कमेंट में गालियां लिख रहे हैं उनको बता दूं कि मैंने तो नहीं कहा कि मैं कोरोना के विषय में कुछ भी जानता हूं, ना इसके कारण जानता हूं, ना लक्षण, ना इलाज, ना मेरे इन सवालों के जवाब मेरे पास हैं। लेकिन मेरे सवाल गलत हों तो आप बताओ, इन सवालों के जवाब आपके पास हों तो बताओ। मैं ये नहीं कहता कि कोरोना एक साजिश है, लेकिन ये प्रश्न ज़रूर है कि क्या मीडिया, डॉक्टर, अस्पताल, प्रशासन, ये जितना हमें डरा रहे हैं क्या उतना डरने की ज़रूरत है? मेरी आगे की बात पर YouTube मेरी वीडियो हटा सकता है, इसलिए आपको ये वीडियो शेयर करनी हो तो डिलीट होने से पहले अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लो और WhatsApp से शेयर कर देना। ये डर ज़रूरी है क्योंकि इसी डर से साधारण बुखार पर व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होता है और पैसा बनता है। इसी डर से व्यक्ति वो वैक्सीन लगवाता है जिसके लेने के बाद भी कोरोना का खतरा कम नहीं होता। इसी डर से 899 रुपए की रेमडेसिविर ब्लैक में 50,000 की खरीदता है और पैसा बनता है। इसी डर से मास्क ना पहनने पर चालान होता है और पैसा बनता है। इसी डर से लॉकडाउन लगते हैं, केंद्र सरकार से करोड़ों की मदद मिलती है और पैसा बनता है। इसी डर से आपदा किसी के लिए अवसर बनती है। जब रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने से भी उतना ही फायदा होता है जितना गर्म पानी की भाप से, तो सरकार दवाई पर जितना खर्च कर रही है उतना भाप लेने के प्रचार पर क्यों नहीं? क्योंकि भाप से पैसा नहीं कमाया जाता। जो सरकारें लॉकडाउन लगाकर मजदूरों को शहर से भगा रही हैं क्योंकि उनकी जान उनकी भूख से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो शराब के ठेके क्यों नहीं बंद कर रही? क्योंकि पैसा भूख और जान दोनों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है दर्शकों के नाम। बिल्कुल, कोरोना से बीमारी की तरह बचाव करो, लेकिन महामारी की तरह डरो मत, क्योंकि डर के आगे नहीं, डर से पहले ही जीत है। ये देखो, अगर आप भी मेरे प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर और सरकार से लेना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।